प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार 16 जनवरी से केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पीएम मोदी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले का दौरा करेंगे। यह यात्रा 2 दिवसीय होगी, जहां वो राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के मुताबिक भारत के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव लाने की दिशा में पीएम मोदी कोच्ची में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कोच्ची के पुथुवाईपिन में IOCL के LPG आयात टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजस्थान दौरे पर हैं। वो जयपुर, करौली और धौलपुर का दौरा करेंगे। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान धनखड़ 16वीं राजस्थान विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। In Kerala, this is again a happy occasion. Prime Minister is inaugurating projects worth more than 4,000 crores in Cochin Shipyard and Cochin Port. Cochin Port is getting an LPG terminal, and Cochin Shipyard is now going to have a dry dock facility and also a ship repair facility.